भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां पर ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की है। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। ओवैसी ने कहा कि समाज में हिंसा को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। पीएम को लेकर जो कहा उसका भी निंदा करते हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, जहां पर 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर है ओवैसी, और इस दौरान उदयपुर में जो घटना हुई है उसको लेकर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो भी बातें कही गई वो भी निंदनीय है। तो ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी, जहां पर ओवैसी ने उदयपुर की घटना की निंदा की और ओवैसी ने कहा कि उदयपुर की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है, तशद्दुद और वायलेंस रास्ता नहीं हो सकता है। हमको जमहूरियत में रहकर अपने मसाइल को हल करना है। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आज उदयपुर में जो हमारे एक हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में, कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हां यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के आईपीसी सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए, मगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो। ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।